यूपी में लू का अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर समेत करीब 35 जिलों में लू चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पारे में लगातार बढ़ोतरी के आसार हैं। आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। उसके मुताबिक इसकी संभावनाएं 60% से अधिक हैं। इसलिए सभी विभागों को इसे ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी तैयारियां शुरू करने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA की ओर से मॉनसून की तैयारियों को लेकर अलग अलग विभागों के लिए बैठक की गई। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय धूप में ना निकलें। अगर धूप में निकलने का ज़रूरी काम है तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकलें। इसके अलावा पेय पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। प्रशासन की तरफ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों और जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। FCI की तरफ से MSP पर गेहूं खरीद के नियमों को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान को छूट दी गई है। बीते दिनों इन दोनों राज्यों में मौसम की वजह से गेहूं को नुकसान की खबर सामने आई थी। गेहूं खरीद के बदले नियमों के तहत मध्य प्रदेश में सिकुड़े दानों की मात्रा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इसी तरह राजस्थान में 20% सिकुड़े दानों के साथ गेहूं की खरीदारी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं की चमक 50% और राजस्थान में 70% कर दी गई है। मसलन अब मध्य प्रदेश में 50% और राजस्थान में 70% चमक वाले गेहूं को पूरी MSP दी जाएगी। यूपी सरकार किसानों के खेतों में मुफ्त बोरिंग करा रही है। राज्य के जो किसान सरकारी अनुदान पर अपने खेतों में बोरिंग कराना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाकर फॉर्म भर दें। फ्री बोरिंग योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को लाभार्थी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल राज्य के छोटे और सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सामान्य वर्ग के किसानों को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मक्के की हाइब्रिड किस्म सुपर 82 किस्म का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहां किसानों को कई दूसरे प्रकार की फसलों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके डिलीवरी करवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए mystore.in पर क्लिक करें। कृषि वैज्ञानिकों ने दशहरी आम में लगने वाले जेली बीज रोग से बचने के लिए फॉर्मुलेशन यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बोरॉक्स, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट तथा EDTA उपयोग करने की सलाह दी है। पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को ढकने के लिए काली पॉलिथीन मल्च 100 माइक्रोन का और मई के दूसरे सप्ताह में 2% डाईहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग बहुत प्रभावी पाया गया है। भिंडी की फसल को कीटों से बचाने के लिए ये सही समय है। अगर गर्मी की फसल लगा दी है तो उसे पीला मोजैक, चूरीड़ फफूंदी, फल छेदक या कटुआ कीट से बचाव के लिए कीटनाशक इस्तेमाल करें। मेटासिस्टॉक्स 0.1% का छिड़काव पौधे उगाने के बाद से ही 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। इसके अलावा चूड़ील रोगग्रस्त पौधों पर कैराथेन 0.06% का छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार करना चाहिए। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से PM किसान AI चैटबॉट यानी कि किसान ई मित्र मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए AI चैटबॉट पर क्लिक कर वहां दिए गए सवाल के ऑप्शन को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर जवाब भी पा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को
कृषि और उससे जुड़े कामों के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के इरादे से आय सहायता देना है। इसके तहत योग्य किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं। कुल मिलाकर 6,000 रुपये सालाना लाभार्थी किसानों को दिए जाते हैं। छोटे किसान भाई कम खर्च में तुलसी की खेती से कमाई कर सकते हैं। कृषि के जानकारों का कहना है कि तुलसी के तेल की कीमत 500 से 600 रुपए प्रति किलो होती है। इस तरह 80 से 90 दिनों में 30,000 से 40,000 की कमाई हो सकती है। इसके बीज के लिए सीमैप लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं। तुलसी के तेल का इस्तेमाल कई रोगों की दवा बनाने के लिए किया जाता है। तुलसी की मुख्य प्रजातियाँ रामा और श्यामा हैं, जिन्हें अधिकांश घरों में लगाया जाता है। तुलसी की खेती के लिए अप्रैल मई महीने से ही तैयारी शुरू की जाती है। तुलसी के नर्सरी पौधे तैयार करने के लिए 4.5 × 1.0 × 0.2 मीटर आकार की क्यारियां तैयार की जाती हैं। एक हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 700 ग्राम से लेकर 1 किलो बीज की ज़रूरत होती है।